जगदलपुर, धमतरी और राजनांदगांव, तीन जगह कार्यक्रम है और मतदाताओं ने मन बना लिया है। और नगरीय निकाय में भी हमारी स्थिति बहुत बेहतर है और सभी जगह हम बहुमत लाएंगे, ऐसा विश्वास है। सरकार के एक साल का कितना फायदा मिलेगा चुनाव? पूरा फायदा मिलेगा, क्योंकि एक साल में जितने काम किए हैं वो जनता के नज़र में उसका लाभ सीधा सीधा मिल रहा है। चाहे वो सबको राशन कार्ड और जिस समय 35 किलो चावल, साथ ही 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा, पट्टा के लिए सर्वे कराना, और यहाँ सर्वे हो चुके हैं, वहाँ पट्टा वितरित भी हो गया है। गरीबों के लिए पट्टा देने का जो फैसला है वो पहले भी जब कांग्रेस सरकार रही तब हुआ था और अब फिर से हुआ। दूसरा, जैसे गुमास्ता में हमने सुविधाएं दी व्यापारियों को, फ्री होल्ड किया, रजिस्ट्री शुल्क में कमी की, कलेक्टर गाइडलाइन में कमी की। तो ये चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, सबको इस एक वर्ष में लाभ मिला है। तो सभी वर्ग हमारी सरकार से प्रसन्न है और इसका लाभ नगरीय निकाय चुनाव में अवश्य मिलेगा। देखिए, ये हमारे संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है और छत्तीसगढ़ी परंपरा या छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देना कोई गलत बात नहीं समझता, लेकिन ये लोग इस प्रकार से शोषण के 15 साल इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों को दबा के रखे थे, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। इन्हीं के कार्यकाल है जिसमें आदिवासी 1,00,000 से अधिक यहाँ से पलायन करने के लिए बात हुई। इन्हीं समय है जब जिसमें सर्वाधिक आदिवासी को प्रताड़ित किया गया। इन्हीं के राज्य है जिसमें किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य हुए। सिंचाई क्षमता नाम की वृद्धि हुई। इनके कार्यकाल में केवल कमीशन खोरी होता रहा, केवल खजाने को लूटने का काम होता रहा, और आज विकास विकास ही चिल्ला रहे हैं कि उनका विकास होना बंद हो गया है, उनके साथियों के विकास होना बंद हो गया है। धाराएं टूट गई है, धारा बह रही थी अब वो बंद हो गई है, इसलिए उनको बड़ी चिंता हो रही है। और ये जो पैसा है वो गरीब लोगों के, आम जनता के हित में, व्यापारियों के हित में, किसानों के हित में लगातार वो काम हो रहा है, इसलिए उनको परेशानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कला पहले भी थी, मैं जब कहता था तो कोई मानते नहीं थे। आज सारे आवरण हट गए हैं तो अंतर्कला तो स्पष्ट दिखाई देने लगा है। देखिए, कवर्धा वाले उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। और यदि शिकायत हुई है तो उसकी जांच होगी और उनको सहयोग करना चाहिए। सिंह जी को पहले रमन सिंह को सिखाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को किस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं वो। छत्तीसगढ़ के भौंरा, माटी, गोटा, ये तो हमारे खेल का हिस्सा है, हमारे गांव के लोगों की पहचान है, और उसके बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। तो गिरिराज सिंह को पहले रमन सिंह को शिक्षा दे ले, उसके बाद फिर देश को शिक्षा दे। मिलेगा भैया, इतना अधीर क्यों है, अभी तो समय है। और पहली बार देश में नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल हो रहा है तो विभागीय मंत्री को तो अवश्य देंगे, क्यों नहीं देंगे, हम तो सबको आमंत्रित करेंगे। अभी कार्ड ही नहीं छपा है। सभी मुख्यमंत्रियों को अभी पत्र भेजा गया, सभी जगह गए हैं। अब दूसरे जो हैं हमारे राज्य के लोगों को तो यही के हैं, तो हम यहाँ देना ही देना है, नहीं देने का सवाल ही नहीं उठ रहा है। सर, कल रमन सिंह ने जो है रायपुर में प्रचार प्रसार किया। अब रमन सिंह जी का असली चेहरा जनता एक साल पहले पहचान चुकी थी, अब और सामने आ रहा है कि परत खुलते जा रहा है और वो अपना आपा खो चुके हैं। उनको तो अपने और अपने परिवार के अलावा किसी कोई दूसरा देखे ही नहीं हो। अब जब सत्ता में नहीं रहे तो उसकी बकलाहट दिख रही, उनकी भाषा भी परिलक्षित हो रहा है, उनके व्यवहार भी परिलक्षित हो रहा है।